بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام हज़रात सामईन किराम, पिछले चार हफ्तों से हम लोग हुकूकुल इबाद के मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं और हम ये जानने की और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस्लाम की मुआशरती ज़िंदगी क्या है। चुनाचे इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं औलाद के हुकूक के मौजू पर चंद बातें अर्ज करना चाहता हूँ। दुनिया में जितने मजाहिब हैं, तकरीबन तमाम मजाहिब माँ बाप के हुकूक को तो बयान करते हैं, लेकिन इस्लाम वो वाहिद मजहब है जो औलाद के हुकूक को भी बयान करता है, क्योंकि इस्लाम के अंदर मुसावात है और इस्लाम के अंदर अदल है। तो इस्लाम जहां औलाद पर माँ बाप के हुकूक को बयान करता है, इसी तरह माँ बाप पर औलाद के हुकूक को भी बयान करता है, और ये इस्लाम की खुसूसियत और इस्लाम का इम्तियाज है। इस्लाम न सिर्फ ये के औलाद के हुकूक को बयान करता है, बल्कि औलाद के हुकूक को गैर मामूली अहमियत देता है। क्यों? इसलिए कि औलाद के जो हुकूक हैं वो जमाने के एतबार से मुकद्दम है। माँ बाप अपनी औलाद के हुकूक को उनके बचपन में अगर अदा करेंगे तो जब माँ बाप बड़े हो जाएंगे और औलाद जवान हो जाएगी तो फिर ये औलाद अपने माँ बाप के हुकूक को अदा करेगी। तो अव्वलन माँ बाप को अपनी औलाद के हुकूक अदा करने हैं। अगर माँ बाप औलाद के हुकूक को अदा करेगी तो औलाद भी अपने माँ बाप के हुकूक को अदा करेगी, और अगर माँ बाप ने अपनी औलाद के हुकूक को अदा नहीं किया तो बड़े होकर यही औलाद फिर अपने माँ बाप के हुकूक के अंदर कोताहियां करेगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु ताला के दौरे खिलाफत में एक बड़े मियाँ उनके पास आए और शिकायत की कि ए अमीरुल मोमिनीन,
मेरा बेटा बड़ा नाफरमान है, मेरी कोई बात नहीं मानता, मेरा कोई हक अदा नहीं करता और उसकी जात से मुझे बड़ी तकलीफ पहुंचती है। न वो मेरी इताअत करता है, न वो मेरी खिदमत करता है। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला ने उस लड़के को बुलवाया और उससे कहा कि देखो, ये तुम्हारे वालिद तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं, तुम्हारे वालिद तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं कि तुम उनके हुकूक अदा नहीं करते हो, आखिर इसकी क्या वजह है। तो उस लड़के ने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, आप मुझे ये बताइए कि इस्लाम के अंदर क्या सिर्फ माँ बाप के हुकूक हैं औलाद के ऊपर, या औलाद के भी कुछ हुकूक हैं माँ बाप के ऊपर। तो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला ने फरमाया, जी हाँ बिल्कुल, जिस तरह माँ बाप के हुकूक औलाद के ऊपर हैं शरीयत में, इसी तरह औलाद के हुकूक माँ बाप के ऊपर हैं। तो उस लड़के ने फिर पूछा कि औलाद के माँ बाप पर क्या हुकूक हैं। तो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला ने फरमाया कि एक हक तो ये है कि बाप आने वाली अपनी औलाद के लिए एक अच्छी माँ का इंतखाब करे, यानी ऐसी औरत से शादी करे जो दीनदार हो, शरीफ हो, पढ़ी लिखी हो, मुहज्जब हो, ताकि इसी एतबार से वो अपने बच्चों की तरबियत कर सके। इसी को हदीस पाक में बयान किया गया है, फज़फिर बिदाति दीन तरीबत यदाक, कि जब औरत के इंतखाब का वक्त आए तो उसकी दीनदारी देखो, उसका तकवा देखो, उसकी सलाह और फलाह देखो, ये देखो कि वो पढ़ी लिखी है, मुहज्जब है। और दूसरा हक ये है कि जब बच्चा पैदा हो जाए तो उसका अच्छा नाम रखे। ये दो हुकूक तो ऐसे हैं कि शुरू ही में इसका मौका खत्म हो जाता है और चला जाता है। फिर फरमाया कि तीसरा हक ये है कि अपनी औलाद को कुरान की तालीम दे। कुरान की तालीम, ये एक इसका मफहूम बहुत वसी है, यानी उनको दीनी तालीम दे, उनकी इस्लामी तरबियत करे, उनको अखलाक सिखाए, उनको इंसान बनाए, ये तीसरा हक है। तो उस लड़के ने कहा कि मेरे बाप ने मेरा इनमें से एक भी हक अदा नहीं किया। इन्होंने शादी की ऐसी औरत से जो बांधी थी एक मजूसी घराने में। अब जाहिर है, एक तो बांदी गुलाम और बांदी जो होते थे उस जमाने में, वो न तालीम याफ्ता होते थे, न मुहज्जब होते थे, न तरबियत याफ्ता होते थे, और वो भी बांदी कहाँ, एक मजूसी घराने के अंदर, जो जहां ना कोई दीनी माहौल है, ना कोई इस्लामी माहौल है, ना कोई तरबियत का माहौल है। तो वहां से आने वाली औरत से इन्होंने शादी की, चुनाचे हमारी माँ जो थी वो एक मजूसी घराने की बांदी थी। इन्होंने हमारे लिए किसी अच्छी माँ का इंतखाब नहीं किया। फिर दूसरे हक की बात, जब मैं पैदा हुआ तो इन्होंने मेरा नाम रखा जोल। जोल के माना आते हैं मजदूरी, रिश्वत वगैरह, कोई अच्छे माना नहीं है। किसी भी एतबार से इसको अच्छा नाम करार नहीं दिया जा सकता। और जहां तक बात है तीसरे हक की, तो इन्होंने पूरे कुरान में से एक हर्फ भी मुझे नहीं सिखाया। अब हजरत उमर रदी अल्लाह तआला जो उस लड़के की क्लास लेना चाह रहे थे और उसको सरजनिश करने के लिए, तंबीह करने के लिए उन्होंने बुलाया था, उसके बूढ़े बाप की शिकायत सुनकर वो उस लड़के को छोड़कर उन बड़े मियाँ की तरफ मुतवज्जे हुए और कहा कि जब तुमने खुद अपनी औलाद का कोई हक अदा नहीं किया तो अब तुम औलाद से कैसे उम्मीद कर रहे हो कि वो तुम्हारा हक अदा करे।
आज अगर तुम औलाद की नाफरमानी से परेशान हो कि वो तुम्हारी इताअत नहीं करती, तुम्हारी खिदमत नहीं करती, तुम्हारा ख्याल नहीं रखती, तुम्हें तकलीफ पहुंचाती है, तो तुम खुद इसके जिम्मेदार हो। तो इसीलिए चूंकि माँ बाप के हुकूक की अदायगी मौकूफ है औलाद के हुकूक की अदायगी पर, इसलिए इस्लाम ने बहुत अहमियत के साथ औलाद के हुकूक को बयान भी किया है और माँ बाप को उन हुकूक को अदा करने की तरगीब भी दी है। एक तो होते हैं बशरी हुकूक के खाने पीने का इंतज़ाम कर दिया जाए, पहनने ओढ़ने का इंतज़ाम कर दिया जाए, रहने सहने का इंतज़ाम कर दिया जाए, इसी तरह बीमार हो तो इलाजो मुआलजे का इंतज़ाम कर दिया जाए। ये तो बशरी हुकूक हैं जो हर एक करता है, लेकिन असल जो हक है वो दीनी तालीम और दीनी तरबियत और इस्लामी तरबियत है, क्योंकि तालीम और तरबियत से औलाद इंसान बनती है, और अगर तालीम ना हो और दीनी तरबियत ना हो तो वो औलाद इंसान नहीं है बल्कि जानवर, बल्कि जानवरों से भी बदतर है। इसलिए हदीस पाक में फरमाया गया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन राइयती, कि तुम में से हर एक राई है यानी निगरान है और उसके मातहत कुछ अफराद हैं। क़यामत के दिन जब उसके बारे में सवाल किया जाएगा तो उसके मातहतों के बारे में भी उससे सवाल किया जाएगा कि तुमने जितनी अपनी फिक्र की, क्या अपने मातहत जो तुम्हारे अफराद थे, मसलन माँ बाप के जो मातहत हैं बीवी बच्चे हैं, उस्ताद के जो मातहत हैं वो उसके शागिर्द हैं, एक कंपनी का मुदीर है उसके मातहत हैं, कंपनी के मुलाजमीन हैं, तो वकुल्लुकुम मसूलुन अन रईयतिही, हर एक से उसके जो मातहत अफराद हैं उनके बारे में भी सवाल किया जाएगा। तो क़यामत के दिन हर माँ बाप से औलाद के मुतालिक सवाल किया जाएगा कि तुमने अपने औलाद का कितना हक अदा किया और तुमने अपने औलाद को कितना दीन सिखाया और कितनी उनकी तरबियत की और कितनी उनके अखलाक को बनाने पर मेहनत की और कितना उनको जिंदगी जीने का सलीका सिखाया। ये सारे सवालात क़यामत के दिन हर माँ बाप से किए जाएंगे। मैंने आप हजरात के सामने सूरतुत तहरीम की आयत करीमा तिलावत की है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीन आमनु कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों बचाओ अपनी जात को, व अहलीकुम और अपने घर वालों को यानी बीवी बच्चों को, नारं वकूदुहन नासु वल हिजारा, ऐसी आग से कि जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। जहन्नम की जो आग है वो ऐसी आग नहीं है कि जो लकड़ी और कोयले से जलाई जाती हो, उस आग का जो ईंधन है वो इंसान है और पत्थर है। उस आग को भड़काने के लिए, उस आग में शोले पैदा करने के लिए इंसान डाले जाते हैं और पत्थर डाले जाते हैं। वकूदुहन नास, जिसका ईंधन, वकूद जो है, वकूद अरबी जबान में कहते हैं उस चीज को जिससे आग जलाई जाती है, आग भड़काई जाती है, और हम उर्दू में कहते हैं ईंधन। और चूंकि पेट्रोल से भी आग भड़कती है और पेट्रोल से आग में इश्तियाल पैदा होता है, तो इसलिए हमारे यहाँ कतर में जो पेट्रोल पंप है उनको वकूद कहा जाता है। ये वकूद जो पेट्रोल पंप है ये यहीं से माखूज है, वकूद वहन नासु वल हिजारा। और फिर ऐसा नहीं है कि उस आग से बचकर कोई निकल जाए
और जान बचाकर भाग जाए। अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदादुन ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून, कि उस आग पर ऐसे फरिश्ते मामूर हैं, ऑन ड्यूटी हैं, कि जो बहुत ताकतवर है और सख्त मिजाज हैं, और ऐसा नहीं है कि वो किसी के साथ मुरूवत कर दें और किसी के लिए नरम पड़ जाए और किसी की रियायत कर दें। जैसा उनको अल्लाह ने हुक्म दिया है वो वैसा ही करते हैं। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, अल्लाह ने जो उनको हुक्म दिया है वो उस हुक्म में उस हुक्म की नाफरमानी नहीं करते। वयफअलूना मा युमरून, जैसा उनको कहा जाता है वो ऐसा ही करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस आयत करीमा में ये बताना चाह रहे हैं कि हर इंसान की नजात के लिए इतना काफी नहीं है कि वो अपनी जात की फिक्र कर ले और अपने को दीनदार बना ले और खुद अपनी जात की हद तक नेक और सालेह बन जाए, नमाज रोजे का पाबंद बन जाए। ये इतना अपनी नजात के लिए काफी नहीं है, बल्कि कमा हक्कुहु, नजात उस वक्त मिलेगी जब वो अपने घर वालों को भी आग से, जहन्नम की आग से बचाने की फिक्र करेगा और उनको भी दीनदार बनाने की फिक्र करेगा, उनकी दीनी तालीम का इंतजाम करेगा, उनकी इस्लामी तरबियत का इंतजाम करेगा, उनको उनके अखलाक को संवारने का और बनाने का इंतजाम करेगा। तन्हा अपनी जात की फिक्र कर लेना ये काफी नहीं है। बाज लोग ऐसे होते हैं वो फी नफसी ही बड़े दीनदार होते हैं, रोजे और नमाज के, सोम और सलात के पाबंद होते हैं, लेकिन उनको अपने घर वालों की मुतलक परवाह नहीं होती कि उनके बीवी बच्चे फैशन परस्ती और गुनाहों के सैलाब में बह रहे हैं। उनको एहसास तक नहीं है कि मेरे घर में क्या हो रहा है, बस वो इस बात से मुतमईन है कि मैं पांचों वक्त की नमाज मस्जिद में सफे अव्वल में पढ़ रहा हूं, यह सोचकर वो मुतमईन है। हालांकि ये बात इत्मीनान के लिए काफी नहीं है। उनको जिस तरह अपनी जात की फिक्र है कि मेरी आखिरत बन जाए और मैं जन्नत का मुस्तहिक बन जाऊं और मैं जहन्नम से बच जाऊं, इसी तरह अपने घर वालों की भी उसको फिक्र करनी है और पूरी निगरानी करनी है कि मेरे घर के अफराद, मेरे बीवी बच्चे कहीं ऐसा तो नहीं है कि फैशन परस्ती में और गुनाहों के सैलाब में बह रहे हैं और अल्लाह के हुकूक को ज़ाय कर रहे हैं और दीन से दूर हो रहे हैं। उनकी जिंदगियों में सुन्नत के जो तरीके हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुबारक सुन्नतें हैं वो उनकी जिंदगियों से निकल रही हैं और गैरों के जो तरीके हैं वो उनकी जिंदगियों में आ रहे हैं। जब तक वो इसकी फिक्र नहीं करेगा और उनकी इस्लाह का इंतजाम नहीं करेगा, वो खुद कमा हक़ुहु नजात का मुस्तहिक नहीं हो सकता। बाज़ लोग बहुत आसानी के साथ ये कह देते हैं कि भाई हमने तो अपने बच्चों को बहुत समझाया, बहुत कहा, लेकिन अब वो मानते ही नहीं तो हम क्या करें। ये कहकर बहुत आसानी के साथ वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। जब उनको मुतवज्जे किया जाता है कि आपके बच्चे गलत माहौल में जा रहे हैं, गलत सोसाइटी में जा रहे हैं और नमाजों से और मस्जिदों से दूर हो रहे हैं, आपकी घर की औरतों में फैशन आ रहा है और वो दीन से दूर हो रही हैं, तो वो बहुत आसानी के साथ ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि भाई मैं तो कहते कहते थक गया और जितना कह सकता था मैंने कह दिया, अब मेरे आमाल मेरे साथ हैं, इनके आमाल इनके साथ। तो इसी किस्म के लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत करीमा में मिसाल दी है आग की,
कि आग से अपने बीवी बच्चों और अपने घर वालों और अपने मातहतों की दीनी फिक्र करना, ये ऐसा है जैसा कि उनको आग से बचाना। अब आप सोचिए थोड़ी देर के लिए कि अगर आग लगी हुई है कहीं पर, उस सख्त किस्म की आग है और शोले भड़क रहे हैं, और यकीन है कि अगर कोई इस आग में चला गया तो चंद मिनट के अंदर वो जल के राख हो जाएगा। ऐसे मौके पर आपका एक नादान छोटा बच्चा आग की तरफ जा रहा है, तो क्या आप जबान से चंद मरतबा तंबीह करके मुतमईन हो जाएंगे कि बेटे उधर मत जाओ, आग जल रही है, अगर तुम उसमें चले जाओगे तो जल जाओगे। अब ये कहने के बाद बच्चा फिर भी जा रहा है, तो क्या आप ये कह के मुतमईन हो जाएंगे कि भाई मैं तो जितना कह सकता था मैंने कह दिया, अब मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं। हालांकि ये तो दुनिया की आग है, चंद दिन की जिंदगी इस आग से जाएगी, और जहन्नम की जो आग है वो तो हमेशा हमेश की आग है। तो ऐसे मौके पर अगर वो बच्चा फिर भी आग की तरफ जा रहा है तो आप ये कहकर मुतमईन नहीं होंगे कि भाई मैंने तो कह दिया, बल्कि आप परेशान हो जाएंगे, आप बेचैन हो जाएंगे, आप बेकरार हो जाएंगे, और अगर वो जबान की तंबीह पर नहीं रुकेगा तो आप खुद जाके उसको पकड़कर आग के करीब से लाएंगे, और जब तक उसके तहफ्फुज़ को यकीनी न बना ले आप जो है चैन से नहीं बैठे। तो जिस तरह हम दुनिया की आग से बचाने की कोशिश करते हैं, इससे कहीं ज्यादा जरूरत है कि हम आखिरत की और जहन्नम की आग से बचाने के लिए अपनी औलाद की फिक्र करें। तो ये बात जो है कि अपनी औलाद की तरबियत करना और अपनी औलाद की जो है आखिरत को बनाने की फिक्र करना, ये इंतहाई अहम है और इंतहाई ज़रूरी है। आज हम लोग अपनी औलाद की फिक्र करते हैं, मगर जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा फिक्र करनी चाहिए हम उसकी फिक्र नहीं करते। हमें यह तो फिक्र है कि हमारे बच्चों का अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिला हो जाए, और फिर उसके बाद अच्छे से अच्छे कॉलेज में यूनिवर्सिटी में दाखिला हो जाए, हमारे बच्चे को जो है बाद में अच्छी मुलाजमत मिल जाए, हमारे बच्चे का करियर बन जाए, मुस्तकबिल बन जाए, और हमारा बच्चा जो है वो खुशहाल जिंदगी गुजारने वाला बन जाए। ये सारी चीजें हमारी तरजीहात हैं जिनको हम फोकस करते हैं, लेकिन हमारा बच्चा दीनदार बन जाए, हमारा बच्चा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा और पक्का उम्मती बन जाए, हमारा बच्चा नमाज रोजे का पाबंद बन जाए, हमारा बच्चा बाअखलाक बन जाए, बाअल्फाज़े दीगर हमारा बच्चा एक सही इंसान बन जाए, हमें इसकी कोई फिक्र नहीं है। हालांकि सबसे ज्यादा हमें फिक्र जिस चीज की करनी चाहिए वो ये चीज है, क्योंकि अगर दीन है तो सब कुछ है, और दीन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मेरा मकसद ये नहीं है कि आला तालीम की, डिग्री दिलाने की, आला मुलाजमत दिलाने की, अच्छे मुस्तकबिल की, खुशहाल जिंदगी की फिक्र न की जाए। मेरे कहने का मकसद ये है कि आप जरूर इसकी फिक्र कीजिए, मगर इससे ज्यादा अहम और जरूरी क्या है कि हम उनको सच्चा और पक्का मुसलमान बनाने की फिक्र करें। एक साहब अपने बेटे के बारे में बहुत फखरिया अंदाज में अपने दोस्तों से बताने लगे कि माशाल्लाह मेरा बेटा जो है वो बड़ा कामयाब निकला, उसने फला यूनिवर्सिटी से फला डिग्री हासिल की आला नंबरात के साथ, फिर फला मुल्क के अंदर उसको बहुत अच्छी जॉब मिल गई और कंपनी की तरफ से उसको बहुत अच्छा बंगला दिया गया है, शानदार गाड़ी दी गई है, और वो अपने बीवी बच्चों के साथ बहुत खुशहाल और हाई फाई ऐश और इशरत की जिंदगी गुजार रहा है। ये सारे कमालात और खूबियां बना बताने के बाद आखिर में वो कहते हैं,
बस एक छोटी सी बात है, एक बात है, और वो ये है कि मेरा बच्चा दीन से दूर हो गया, नमाज वमाज नहीं पढ़ता, गुनाहों से बचने का अहतमाम नहीं करता, बस दीनदार नहीं। तो अब आप सोचिए कि हमने इतनी बड़ी बात इतनी आसानी के साथ कह दी। ये तो ऐसा ही है कि एक घर में कोई आदमी बीमार हो जाए और उसकी तबीयत जो है वो बिल्कुल नाजुक मरहले में दाखिल हो जाए, हालत उसकी सीरियस हो जाए, खतरनाक हो जाए, और घर वाले परेशानी के आलम में उसको हॉस्पिटल लेके जाए, और हॉस्पिटल में ले जब पहुंचे तो डॉक्टर उनको मुआयने का जो रूम है उसके अंदर ले जाए। अब ये सारे रिश्तेदार घर के अफराद बाहर बेचैन खड़े हैं कि अंदर से अब डॉक्टर निकल के हमें क्या बताते हैं, क्या परेशानी हुई है, क्या उम्मीद है, क्या अंदेशा है। थोड़ी देर में डॉक्टर अंदर से आता है तो सब लपकते हैं उसकी तरफ और पूछते हैं कि हमारे मरीज को क्या हुआ। तो डॉक्टर कहता है कि आपका जो मरीज है बिल्कुल ठीक ठाक है, उसके हाथ पैर पेट पीठ घुटने टखने सब बिल्कुल ठीक ठाक है, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि उसकी जान निकल गई। अब यकीन कीजिए कि आप लोगों का बस न चले तो उसके बाल नोच लें कि तुम ये क्या कह रहे हो कि जान निकल गई। अगर जान निकल गई तो फिर इन आजा के दुरुस्त होने का फायदा क्या है, असल चीज तो जान है। तो वो जान जब जा रही है जिस पर दुनिया की चंद दिन की जिंदगी टिकी हुई है, तो हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, आपे से बाहर हो रहे हैं, और हमारी औलाद के अंदर से वो ईमान जा रहा है जिस पर हमारी आखिरत की हमेशा की जिंदगी मौकूफ है, हम उसको कह रहे हैं कि जैसे गोया कि हमारे नजदीक कोई बात ही नहीं हुई, कि बस एक बात है कि बच्चा मेरा बददीन हो गया। तो ईमान उसका खतरे में है और ईमान जा रहा है जिस पर आखिरत की हमेशा की जिंदगी मौकूफ है, वो आपके नजदीक कोई बड़ी बात नहीं है। और जब अस्पताल में आपके मरीज की जान जा रही थी, जिस जान पर दुनिया की चंद दिन की जिंदगी मुनहसिर है, तो वो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो ये सारा जो मसला है ये हमारी सोच का मसला है, ये हमारी सोच है कि हम दीन को मुअख्खर करते हैं और दुनिया के तकाजों को मुकद्दम करते हैं। कुरान और हदीस, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी दुनिया के हुसूल को, दुनिया की तरक्की को, दुनियावी एतबार से आगे बढ़ने को मना नहीं करते। लेकिन बस एक बात कही जाती है कि दीन को मुकद्दम करो, दीन मुकद्दम और दुनिया मुअख्खर। दीन के साथ साथ जितनी दुनिया मिल जाए कोई हर्ज नहीं, लेकिन दीन के बगैर चाहे पूरी दुनिया मिल जाए वो दोनों जहान के अंदर नाकाम है और नामुराद है। हम यहां पर चंद चीजें देखते हैं शरीयत की रोशनी में, कि जिससे हमें ये अंदाजा होगा कि हमें अपने बच्चों की तरबियत में किन बातों का ख्याल करना चाहिए। कौन ऐसा माँ बाप होगा जो नहीं चाहता है कि मेरे बच्चों की अच्छी तरबियत ना हो, हर एक की ख्वाहिश होती है। लेकिन इस सिलसिले की जो गाइडलाइंस हैं और इस सिलसिले के जो उसूल हमारे सामने कुरान और हदीस से या सलफ सालिहीन से हमारे सामने आते हैं, मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा सा उन उसूल का मुजाकरा करें ताकि उनकी रोशनी में हम अपने औलाद की सही तरबियत कर सकें। सबसे पहली बात तो ये है कि हम अपने औलाद के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें, क्योंकि जितनी इस्लाह की तरबियत की हम फिक्र करेंगे और इंतजाम करेंगे और तदाबीर इख्तियार करेंगे, ये सब असबाब है। असल जो हिदायत मिलती है वो अल्लाह की मशीयत से मिलती है, मुसब्बिबुल असबाब जो है वो अल्लाह ताला है। यही वजह है कि हम देखते हैं कि बाज मरतबा ऐसे ऐसा घराना जहां का माहौल 100% बददीनी का है,
वहां से होनिहार और साले औलाद निकल जाती है। और बाद मरतबा ऐसा घराना और ऐसा माहौल जो खालिस दीनदार माहौल है, वहां तरबियत पाने वाली औलाद जो है बिगड़ जाती है। तो मालूम हुआ कि असबाब अपनी जगह है, असल जो है वो मुसब्बिबुल असबाब अल्लाह ताला की मशीयत है। अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं हिदायत देते हैं और जिसको चाहते हैं अल्लाह ताला गुमराह करते हैं। लिहाजा सबसे पहला काम ये है कि सारी तदाबीर, सारी फिक्रें, सारे इंतजामात, सारा गौर व खोज अपनी जगह, लेकिन हम अपने अल्लाह के सामने अपनी औलाद के लिए दुआएं करें, औलाद की हिदायत के लिए, औलाद की तरबियत के लिए, औलाद की दीनदारी के लिए, औलाद के हक में दोनों जहान की सआदतों के लिए हम अल्लाह ताला से दुआ करें। कुरान करीम में जगह जगह औलाद के हक में दुआएं सिखाई गई हैं, बताई गई हैं। कुरान करीम में एक जगह है, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, ए मेरे अल्लाह मुझे अपने खजाने से ऐसी औलाद अता फरमा दे जो नेक हो, साले हो, तय्यिब हो, अच्छी हो, इन्नका समीउ दुआ, आप दुआ को सुनने वाले हैं। और एक मकाम पे फरमाया, रब्बी औज़िअनी अन अशकुर निअमतका लती अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तरदाहु व असलिह ली फी ज़ुर्रियती, ए अल्लाह मेरी औलाद की इस्लाह फरमा दे, मेरी औलाद की तरबियत फरमा दे, मेरी औलाद से बिगाड़ को, फसाद को, बददीनी को दूर फरमा दे। और एक आयत करीमा है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन, ए अल्लाह हमें ऐसी अजवाज और ऐसी औलाद अता फरमा दे जो अपनी खूबियों, नेकियों, दीनदारियों की वजह से हमारी आंखों की ठंडक बने। और एक रिवायत में आता है के माँ बाप की दुआ औलाद के हक में खुसूसियत के साथ कबूल की जाती है। और इसी के अपोजिट माँ बाप की जो बददुआ है वो भी औलाद के हक में बहुत जल्दी कबूल होती है। हदीस में आता है कि तीन लोगों की बददुआ खुसूसियत के साथ कबूल होती है। एक तो मजलूम अगर बददुआ दे जालिम को, मजलूम की बददुआ फौरन कबूल होती है। इसी तरह मुसाफिर की बददुआ, मुसाफिर जो परदेश में बेबस होता है वो अगर किसी को बददुआ दे दे तो वो बददुआ बहुत जल्दी कबूल होती है। इसी तरह माँ बाप की बददुआ अपनी औलाद के हक में ये भी बहुत जल्दी कबूल होती है। इसीलिए हमारे बड़े फरमाते हैं कि बाज़ मरतबा माँ बाप गुस्से में ऐसा जुमला कह देते हैं कि जिसके अंदर बददुआ का मफहूम है, तेरा नास हो, तेरा बेड़ा गर्क हो। इस किस्म के अल्फाज कभी औलाद के हक में अपने मुंह से नहीं निकालने चाहिए, ये बददुआ है। तो माँ बाप की बददुआ जो है वो औलाद के हक में फौरन कबूल होती है। लिहाजा इसकी आदत बनानी चाहिए कि चाहे कितना गुस्सा आ जाए कभी भी कोई भी ऐसा जुमला जो बददुआ की हैसियत रखता हो वो औलाद के हक में अपनी जबान से नहीं निकालना चाहिए। और ऐसे बहुत से वाकयात हैं कि इस तरह की बददुआ माँ बाप ने दी और औलाद जो है वो तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। और इसी तरह एक हदीस में आता है कि माँ बाप की जो दुआ है वो भी बहुत जल्दी औलाद के हक में कबूल होती है। इसीलिए कहा गया है कि माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी है जैसे कि नबी की दुआ अपनी उम्मती के हक में, कि इसको अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। लिहाजा सबसे पहला काम औलाद की तरबियत के सिलसिले में हमारा ये है
कि हम अल्लाह ताला से रो रो कर दुआएं करें कि अल्लाह हिदायत तो आपके हाथ में है, आप हमारी कोशिशों के बगैर भी हमारी औलाद को नेक और साले बना सकते हैं, आप महज अपने फजल व करम से हमारे बच्चों की, हमारी औलाद की, हमारे घर वालों की सही दीनी और इस्लामी तरबियत फरमा दें और उनको हिदायत अता फरमा दें। और दूसरी जो बात है वो है अपनी बीवी बच्चों को वक्त देना और अपने बच्चों की निगरानी करना। आज हम सारे हुकूक अदा कर देते हैं, सारे इंतजामात कर देते हैं, अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिला करा देते हैं, अच्छा से अच्छा खाना पीना रहन सहन ओढ़ना बिछोना सब कुछ हम अपनी औलाद के लिए कर देते हैं, मगर वक्त जो औलाद को देना चाहिए हम वो वक्त नहीं देते। हमें ऑफिस के काम हैं, अपने बिजनेस के काम हैं, मुलाजमत के तकाजे हैं, पूरे दिन हम उसमें बिजी रहते हैं। और आजकल के दौर में तो थोड़ा बहुत वक्त जो घर के लिए मिलता है जिसमें वो अपने बीवी बच्चों के साथ बैठकर कुछ दिल लगी कर सकते हैं, अच्छी बातें उनको बता सकते हैं, दीनी बातों का अल्लाह के रसूल की सुन्नतों का मुजाकरा कर सकते हैं, वो जो थोड़ा बहुत वक्त बचता है आजकल वो मोबाइल की नजर हो जाता है। पूरे दिन ऑफिस में थे, साइड पे थे, थोड़ी बहुत देर के लिए जो घर में आए तो वो अपना मोबाइल लेकर अपना व्हाट्सएप देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं और दुनिया जहान की जो चीजें नेट पर अवेलेबल हैं सारा वक्त उसके अंदर जाया कर रहे हैं। बच्चों को जो वक्त देना चाहिए वो वक्त अपने बच्चों को नहीं दे रहे। ये बहुत बड़ा जुल्म है औलाद के साथ। होना तो ये चाहिए कि हम अपनी मुलाजमत और अपनी तिजारत और अपने ऑफिस के काम को महदूद करें और ज्यादा से ज्यादा वक्त हम अपने बच्चों को दें, क्योंकि हम जो कुछ कर रहे हैं मेहनत पूरे दिन वो अपनी औलाद ही के मुस्तकबिल बनाने के लिए कर रहे हैं। और औलाद के मुस्तकबिल बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो आपका वक्त देना है। आज का दौर जो है ये मारपीट का नहीं है। जब मारपीट की जाती है तो इससे अब बच्चों के दिल में नफरत पैदा होती है, बगावत के जज्बात पैदा होते हैं। आज जो तरबियत के लिए सबसे कामयाब तरीका है वो ये कि उनकी निगरानी की जाए, बच्चों की एक एक चीज की निगरानी की जाए कि मेरा बच्चा कहाँ जाता है, कहाँ आता है और इसका उठना बैठना किन लोगों के साथ है और इसकी दिलचस्पियां क्या हैं और इसकी मशगूलियत क्या है। अगर बच्चे के पास मोबाइल भी है तो इसकी निगरानी करें कि ये मोबाइल में क्या देख रहा है। असल चीज है निगरानी, और निगरानी जब होगी जब आप उनको वक्त देंगे। अभी एक वाकया है कि एक साहब से उनके दोस्त ने पूछा कि भाई तुम्हारा बच्चा कितना बड़ा हो गया, तो वो कहने लगे कि इतना बड़ा हो गया, हाथ से इस तरह इशारा करके बताने लगे कि मेरा बेटा जो है वो इतना बड़ा हो गया। तो उन्होंने कहा ये क्या तरीका है बताने का, भाई कद ही अगर बताया जाता है तो इस तरह बताया जाता है, जमीन से इस तरह इशारा करके कि इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, ये इतना बड़ा हो गया, ये क्या तरीका है। तो उन्होंने जवाब दिया, असल में मैंने एक जमाने से अपने बच्चे को खड़ा देखा ही नहीं कि मैं इस तरह कद बताऊं कितना बड़ा हो गया। मैं सुबह सुबह जब ऑफिस के लिए निकल जाता हूं उस वक्त मेरा बच्चा सो रहा होता है, तो बिस्तर पे लेटा हुआ होता है, और रात को जब मैं देर में वापस आता हूं तो उस वक्त भी मेरा बच्चा जो है सो चुका होता है। तो एक जमाने से मैंने अपने बेटे को लेटे हुए देखा है बिस्तर पे, इसलिए मैं इस तरह बता रहा हूं कि इतना बड़ा हो गया है। मैंने उसको खड़ा देखा ही नहीं कि मैं इस तरह इशारा करके उसके बारे में बताऊं। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है इस दौर का, और ये बहुत बड़ा सानहा है कि हम अपने बच्चों को वक्त नहीं देते। और जब वक्त ही नहीं है हमारे पास अपने बच्चों को देने के लिए तो हम क्या खाक निगरानी करेंगे।
और ये काफी नहीं है कि हमने स्कूल का में दाखिला करा दिया, अच्छे से अच्छे ट्यूशन का इंतजाम कर दिया, कुरान भी सीखने के लिए हमने एक कारी साहब का इंतजाम कर दिया। ये सारे इंतजाम अपनी जगह हैं, खुद आपको अपनी जात से अपने बच्चों को वक्त देने की जरूरत है। और इसी तरह आजकल जब बच्चे छोटे होते हैं तो उस वक्त हम ये समझते हैं कि अभी इनकी तरबियत का जमाना शुरू नहीं हुआ, और उस वक्त उनकी गलत बातों को भी टोकते नहीं है कि अभी तो बच्चा है। हालांकि जितना कम उम्र है बच्चा, इतनी ही उसकी तरबियत और उसकी जहन साजी और सही रुख पर उसको डालना आसान है। और जो जो उसकी उम्र बढ़ती जाती है, यहाँ तक कि जब बच्चा 14 साल का हो जाता है तो अब एक किस्म की पुख्तगी और ठहराव उसके अंदर आ जाता है। लोहा अगर नरम हो तो किसी भी मखसूस शक्ल में उसको ढालना बहुत आसान है। बच्चा जितना छोटा है उसका जो दिमाग है वो कोरे कागज की तरह है, जो भी आप उस पर नक्श कर देंगे वही उसके दिलो दिमाग पे नक्श हो जाएगा। और जब वो बड़ा हो गया, 14 साल का हो गया, तो अब वो सख्त लोहे की तरह हो गया। और लोहा जब सख्त हो जाता है तो अब अगर आप किसी मखसूस शक्ल में उसको ढालना चाहते हैं तो ये आसान काम नहीं। 14 साल के बाद भी तरबियत होती है, लेकिन 14 साल के बाद तरबियत करना आसान नहीं रहता। उसको कम उम्री ही से अच्छी बातें बताई जाएं, बुरी बातों की कबाहत को, उसके नुकसानात को उसको बताया जाए। जितना कम उम्र बच्चा होगा इतना ही आसान होगा उसके दिलो दिमाग को सही रुख पे डालना। और वो जो उम्र होती है वो लाड प्यार की वजह से हम लोग तरबियत की फिक्र नहीं करते और उसकी गलत बातों पे भी टोकते नहीं कि अभी तो ये बच्चा है, हालांकि यही वक्त है उसको सही रुख पे डालने का। इसी तरह कहा जाता है कि जब बच्चा कोई गलत काम करे तो फौरन उसको मत टोको, क्योंकि जब आदमी गुस्से में होता है तो गुस्से में वो हद से तजावुज कर जाता है। और जिस तरह बच्चों को उनके हाल पे छोड़ देना और कुछ भी न कहना गलत है और नुकसानदेह है उनके हक में, इसी तरह जरूरत से ज्यादा सरजनिश करना या मारना पीटना यह भी नुकसान है, नुकसानदेह है। असल चीज जो है वो एतदाल है, न इफरात हो न तफरीत हो। इसीलिए बुजुर्गों ने फरमाया कि जब गुस्सा आए उस वक्त कोई एक्शन न लो, कोई सरजनिश न करो, क्योंकि उस वक्त अगर तुम एक्शन लोगे तो तुम हद से तजावुज करोगे, बजाय इस्लाह के फायदा होने के और बिगाड़ पैदा होगा। उस वक्त जो है खामोश हो जाओ, बाद में जब गुस्सा ठंडा हो जाए तो मस्नूई गुस्सा पैदा करके फिर बच्चे से बात करो। सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि उसको समझाओ और प्यार से मोहब्बत से समझाओ। उससे ना माने तो फिर दूसरा ऑप्शन है कि उसको डांट डपट करो, उससे भी अगर ना माने तो फिर तीसरा ऑप्शन है कि मारपीट भी कर सकते हो, लेकिन मारपीट के अंदर भी शरीयत के अंदर एतदाल है। ऐसा मारना कि जिससे निशान पड़ जाए या जख्म बन जाए या खून निकल जाए, किसी भी जुर्म पर औलाद के इस तरह मारना शरान नाजायज है। और कब हमें तंबीह करनी है, कब मारना है, कितना मारना है, कब डांटना है, कितना डांटना है, ये सब मौका महल के एतबार से हर एक को फैसला करना है। और ये काम मौका महल के एतबार से एतदाल के साथ उसी वक्त होगा जब हमारा फितरी गुस्सा ठंडा हो चुका होगा,
क्योंकि अगर फितरी गुस्से के वक्त अगर हम ये काम करने बैठ जाएंगे तो हम इसलाह कम करेंगे और अपनी बड़ा ज्यादा निकालेंगे, जिसमें फायदे के बजाय नुकसान ही नुकसान है। और इसी तरह औलाद के हुकूक और तरबियत में एक चीज का और ख्याल रखना जरूरी है, और वो ये है कि औलाद के दरमियान मुसावात हो, औलाद के दरमियान बराबरी हो। आमतौर पर देखा गया है कि माँ बाप किसी एक बच्चे को ज्यादा चाहते हैं तो उसके हुकूक की अदायगी का एहतमाम ज्यादा है, और जिन बच्चों को उसके मुकाबले में कम चाहते हैं उनको इग्नोर किया जाता है। ये शरण भी नाजायज है और गुनाह है, और नफसियाती एतबार से भी ये उन बच्चों के लिए नुकसानदेह है। हदीस शरीफ में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तकुल्लाह वादिलू फी औलादिकुम, अल्लाह से डरो और अपनी औलाद के दरमियान इंसाफ करो। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि कई बेटे हैं और एक बेटी है, तो अब ये बेटी तो चहीती हो गई, उसके तो साथ खून माफ, और जो भी कुछ आ रहा है घर में उसी के लिए आ रहा है। और दूसरे जो आपकी औलाद है वो आपकी इन नवाजिशों से और लाड प्यार से महरूम है, तो ये शरान भी गलत है और अखलाकन भी गलत है। इसी तरह जब भी अपने बच्चों को मुखातब करें तो प्यार से मुखातब करें। प्यार से जब मुखातब किया जाता है तो उसके बाद जो बात कही जाती है वो दिल पे असर करती है। एक तो होता है हम इंसान के हम नाम लेकर पुकारें, इसके अंदर कोई मखसूस कोई खास खैरखाही मोहब्बत शफ़क़त तो प्यार नहीं है। और एक ये है कि मुतकल्लिम और मुखातब के दरमियान जो रिश्ता है उस रिश्ते और उस ताल्लुक के साथ पुकारें, तो इसमें खास किस्म की शफ़क़त और मोहब्बत होती है। अब एक आदमी अपने बेटे को पुकार रहा है कि ए उमर इधर आओ, इसमें कोई खास जज्बातियत नहीं है, प्यार और मोहब्बत नहीं है। और इसी बात को इस तरह कहे कि बेटा इधर आओ, तो बेटा जो रिश्ता है इस रिश्ते के साथ जब पुकारा बेटा कहा तो इसके अंदर खास किस्म की शफ़क़त और मोहब्बत है। इसीलिए हम कुरान करीम में अगर गौर करें, अल्लाह ताला जगह जगह जब बंदों को मुखातब करते हैं तो ये नहीं कहते या अय्युहल इंसान, या अय्युहल रिजाल, बल्कि जो रिश्ता अल्लाह के और बंदों के दरमियान में है अल्लाह उस रिश्ते से पुकारते हैं, या अय्युहल लजीना आमनू, ए मेरे वो बंदों जो मुझ पर ईमान लाए, ए मेरे ईमान वाले बंदों। तो ये रिश्ता जो हमारा अल्लाह से ईमान का रिश्ता है इस रिश्ते से पुकारते हैं तो ये खास किस्म की शफ़क़त होती है। तो शफ़क़त और मोहब्बत के साथ अपनी औलाद को पुकारेंगे बुलाएंगे, उसके बाद फिर हम जो बात करेंगे इंशाअल्लाह उसका बच्चों पर असर होगा। इसी तरह हम बच्चों की फीलिंग को और बच्चों के जज्बात को और बच्चों के एहसासात को भी समझने की कोशिश करें। जो लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं देते बाज़ मरतबा वो बदगुमानी और गलत फहमी में पढ़ के नुकसान में पड़ जाते हैं, और बच्चे के लिए वो नफसियाती एतबार से बहुत नुकसानदेह चीज़ होती है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक वाकया बताऊं, गरचे वक्त बहुत कम है, कि एक शख्स ने अपने बेटे की बहुत अच्छी तरबियत की और उसको एक सही सच्चा पक्का इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, कि बड़ों का एहतराम, माँ बाप का एहतराम, उनकी ताज़ीम उसके दिल में बिठाई। बच्चा बड़ा हो गया और उसने काफ़ी अच्छी मुलाजमत हासिल कर ली और दुनिया के एतबार से काफ़ी तरक्की कर ली। तो एक दिन अपने बेटे के कंधे पे हाथ रख के उसने कहा कि बेटा ये बताओ कि दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रोंग कौन है। तो उसने कहा बेटे ने कि मैं। बाप को एक झटका लगा कि इसने मुझे क्यों नहीं कहा, मेरा नाम क्यों नहीं लिया, गोया कि इसने अपने को मेरे ऊपर फोकियत दी। तो वो ये समझा कि मेरी सारी मेहनत जो है वो तो खाक में मिल गई, और वो गमगीन हो गया
और बगैर कुछ बोले वहां से जाने लगा। जब दरवाजे के करीब पहुंचा तो सोचा एक मतलब और पूछ लूं मैं, शायद मेरे सुनने में कुछ गलती हुई हो। तो दोबारा पूछा कि बेटा दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग और ताकतवर कौन है? तो अब बेटे ने जवाब दिया कि आप। तो अब बाप को ताज्जुब हुआ, कहा कि तुमने पहले तो अपना नाम लिया था और अब मेरा नाम लिया। तो बेटे ने यह जवाब दिया कि पहले जब आपने पूछा था तो आपका हाथ मेरे कंधे पर था, और जिस बेटे के कंधे पर उसके बाप का हाथ हो उससे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं हो सकता। और दूसरी मरतबा जब आपने पूछा तो आपका हाथ मेरे कंधे पे नहीं था, और बाप का हाथ अगर किसी औलाद के कंधे पर न हो तो औलाद बेहैसियत है, इसलिए मैंने फिर आपका नाम लिया। तो इस मतलब तो बाज मरतबा ऐसा होता है कि जाहिरी मफहूम से आदमी गलत फहमी में पड़ जाता है, अगर वो उसके जज्बात को, उसके एहसास को, उसकी फीलिंग को समझ ले तो बात कुछ और सामने आए। तो ये चंद बातें थी जो इस सिलसिले में आज करनी थी, वक्त चूंकि पूरा हो चुका है। अल्लाह ताला इन बातों पर हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमारी भी दीनी तरबियत फरमाए और हमारी औलाद की भी दीनी तरबियत फरमाए। सुभानअल्लाह वबिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम वबिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। जी 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 ये चीज़ भी मेरे मौजू के अंदर, ये चीज़ भी मेरे मौजू में शामिल थी। चूंकि वक्त हो गया है इसलिए मैंने कई चीज़ों को छोड़ दिया, और आपने बहुत अच्छी बात कही। असल में बाज मरतबा बच्चे जब ज़्यादा सवाल करते हैं तो माँ बाप जो है वो उनसे उलझन खाने लगते हैं। और आजकल तो एक अजीब बीमारी है, हर एक के हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में कुछ ना कुछ देख रहा है। अब बच्चे सवालात कर रहे हैं तो अब बजाय जवाब देने के वो उनको डांट देते हैं। हालांकि बच्चों का ज्यादा सवाल करना ये उनके जहीन होने की अलामत है। जब कोई बच्चा अगर ज्यादा बातें पूछ रहा है, ज्यादा सवालात कर रहा है, तो हमें उलझन नहीं खानी चाहिए बल्कि हमें उसकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि ये उसके जहीन होने की अलामत है, और हमें पूरी तवज्जो के साथ उसको समझाना चाहिए, उसको मुतमईन करना चाहिए। क्योंकि हम अगर नहीं जवाब देंगे, सही बात नहीं बताएंगे, तो वो खुद सोच कर उसका जवाब निकालेगा, और जब खुद सोच के निकालेगा तो वो तो बच्चा है, वो गलत निकालेगा, तो इससे उसकी सोच जो है और उसकी फिक्र जो है वो मुतासिर होगी। इसलिए अगर बच्चे सवालात करें तो फौरन उनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए और उनको मुतमईन करना चाहिए।